अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। डॉक्टर ना होने से दिक्कत है, दिक्कत यह है कि जैसे हम लोग जो है कभी आए कोई केस लेके आए, वैसे भी दिखाने हैं किसी महिला को, महिला डॉक्टर ना होने की वजह से पूरी बातें खुल के नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस SC पे मतलब हर जगह महिला डॉक्टर का होना जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है महिला डॉक्टर का होना। महिला डॉक्टर न होने से किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को होती है? हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, हम लोग डिलीवरी लेके आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत हुई, परसेंटा फंस गया या और कोई दिक्कत हुई, एनम जो है अकेले रहती हैं, इसलिए अगर वो दिक्कत वाली केस देखी तुरंत हम लोगों को यहाँ से रिफ़र कर देती हैं, और रिफ़र करने पर हम लोगों को मरीज लेके जाने में बहुत समस्या है। अगर यहाँ डॉक्टर होती तो एनम और डॉक्टर मिलके दोनों इस काम को जो है हल करते, लेकिन एनम के अकेले रहने से हम लोगों को बहुत परेशानी है। अगर डॉक्टर आ जाए तो हम लोगों को अच्छी बात है, महिला को दिखाने के लिए डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर भी इसमें हेल्प करती हैं, इनके न रहने से हम लोगों को बहुत परेशानी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी PSC पर भी डॉक्टर का आना बहुत ज़रूरी है। से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ पे दिखाती हैं? प्राइवेट। तो सरकारी में क्यों नहीं दिखाती? वहाँ पर मतलब महिला डॉक्टर तो है नहीं, बहुत सी दिक्कतें होती है जिसे दिखाना पड़ता है, तो महिला डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर न होने से CSC पे जो भी पेशेंट आते हैं ना उनको कोई इलाज हो पाता है सही ढंग से, ना उनकी देखभाल हो पाती है, जो स्टाफ नर्स और एनएम देखती है वही उतना देखा जाता है। कितना लगता है कि महिला डॉक्टर का होना जरूरी? महिला डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज केस जो होती हैं हर चीज़ के लिए जितना उन लोगों को अनुभव है उतना हम लोगों को नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हर चीज़ से वो सब अपना देखती हैं, हम लोग उनके अंडर में काम करते तो और अच्छा होता, कम से कम जो कुछ हम लोगों में कमी है वो अपना गाइड करती, नहीं तो हमारे अधिकारी जो है जितना कर पाते उतना करते हैं, उससे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे कोई प्रसव के दौरान कोई समस्या आती है तो उसको स्टाफ नर्स या एनएम जो हमारी प्रशिक्षित हैं वो देख लेती हैं, लेकिन बहुत सारी केसेज ऐसी होती हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है तो उनको हमको रिफ़र करना पड़ता है। अगर महिला डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध हों तो उसको यहाँ वो टैकल कर सकती हैं, क्योंकि है नहीं इसलिए उन सारे केसेस को हम रिफ़र कर देते हैं। यही स्थिति पूरे प्रदेश में है, खाली फैजाबाद में नहीं है। तो फैजाबाद ज़िले में मतलब कितनी CSC यहाँ जहाँ पर डॉक्टरों की कितनी कमी है? फैजाबाद में 11 CSC हैं और मेरे पास 14 डॉक्टर की कमी है, प्लस 27 डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ ज्वाइन करके जा चुके हैं। तो इनकी कमियों को कैसे क्या किया जाए? शासन स्तर पर।